यूपीए ने राष्ट्रपति पद के लिए पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने के लिए संसद भवन में विपक्ष की बैठक में मीरा कुमार का नाम तय हुआ। बैठक में 17 विपक्षी दलों के नेताओं ने भाग लिया। विपक्ष का कहना है कि वे सेक्युलर दलों से मीरा कुमार को समर्थन देने की अपील करेगा। मीरा कुमार 27 जून को नामांकन भरेंगे। इससे पहले एनडीए के उम्मीदवार कोविंद का जदयू द्वारा समर्थन किए जाने से मुश्किल बढ़ गई है। कोविंद 23 जून को अपना नामांकन भरेंगे। एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए तो रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार दोनों ही काबिल व्यक्ति हैं। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मीरा कुमार की सफल पारी को देश की जनता देख चुकी है। मीरा कुमार अगली पीढ़ी की दलित हैं। असल में वे पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी हैं और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज से पढ़ाई की है। वे 1970 में भारतीय विदेश सेवा के लिए चुनी गई थी और कई देशों में राजनयिक के रूप में सेवा दे चुकी हैं। दूसरी तरफ कोविंद एक कानपुर देहात जिले के एक गांव में साधारण परिवार में पैदा हुए। उन्होंने कानपुर के एक कॉलेज से पढ़ाई की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के बाद राजनीति में प्रवेश किया। उनका प्रशासनिक अनुभव बिहार के राज्यपाल के रूप में है। दोनों ने वकालत की पढ़ाई की है। कोविंद का चयन भी प्रशासनिक सेवा के लिए हो चुका था, लेकिन उन्होंने नौकरी करने की जगह वकालत करना पसंद किया। मीरा कुमार 72 साल की हैं, जबकि रामनाथ कोविंद 71 साल के हैं। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।